हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन। और जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग के टॉक शो के बारे में जिसका नाम है ड्रीम्स इनटू रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ हमारे गेस्ट है एक लीडिंग इमर्जिंग फीमेल यूथ आइकॉन जो कि झारखंड से बिलोंग करती है और जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर को बहुत ही कम समय में शुरू किया और बहुत ही कम समय में अपने करियर को बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज के हमारे सेशन के चीफ गेस्ट हो, जो हमारे साथ में अपने ड्रीम्स से रह करके रियलिटी तक की जर्नी को शेयर करने जा रही है, उन्हें हम इन्वाइट करते हैं, जिनका नाम है मिस राबिया खान। तो आइए वेलकम करते हैं राबिया जी का। सो वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस टॉक शो में जिसका नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी। सो कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ में हमारे टॉक शो में आकर के? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल साहब सर कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करा ड्रीम इनटू रियलिटी। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे आपने इस प्लेटफॉर्म के लायक समझा और यहाँ पे इनवाइट करा। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का हमारा सेशन जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग तो बात की बात है, राबिया जी डायरेक्ट सेलिंग से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, मतलब फर्स्ट ऑफ कहाँ? ऑल कि जी हाँ मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। अभी जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आगे का एडमिशन का चल रहा है। अभी मैंने जब स्टार्टअप किया था इस इंडस्ट्री में, जब मैं आई थी तब मैं बीकॉम की स्टूडेंट थी। बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ अमाउंट वगैरह भी हमें अर्निंग करनी चाहिए। वी नो कि यूथ क्या होता है, यूथ के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके हम गर्ल्स को, और झारखंड में कि आप यहाँ तक पढ़ाई करो और आपकी शादी हो जाएगी। तो मेरे साथ क्या था कि मैं स्टडी तो कर ही रही थी, बट मेरा ऐसा था कि मुझे पैसे भी कमाने हैं और किस तरीके से कमाने हैं ये मुझे नहीं पता था। तो मैं भटक रही थी कि इस तरीके से ये सारी चीजें, मैं उस टाइम पे जॉब पे कर रही थी बट उतना कुछ खास जॉब नहीं था। बट कहते हैं ना, जो भी मिलता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो उसी शुक्रिया के साथ मैं आगे बढ़ रही थी और नॉर्मल लाइफ चल रही थी। चैलेंजेस बहुत सारे थे जिसे मुझे देख कर लगा कि नहीं, कुछ चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। तो काम करने के लिए तो मैं निकल गई बट मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे एक पर्सन मिले, ऑनलाइन। आजकल के डेट में आपको ऐसे भी पता है कि हमारी यूथ जो है स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, एंड मैं भी स्क्रॉल कर ही रही थी। मुझे एक पर्सन मिले जिन्होंने मुझे ये बोला कि आप महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। मैंने चाहा कि मैं जानूं ऐसा क्या है, हमें नहीं पता है कि घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो मैंने जानने की कोशिश करी, मैं उनसे मिली, वो झारखंड के ही थे, उनसे मिली। फिर जब उनसे मिली तो मुझे पता चला कि ऐसी ऐसा काम है, और उन्होंने मुझे पूरा फुल्ली काम के बारे में बताया था, सेल्स के बारे में बताया था, दैट्स इट। तो स्टार्ट उस टाइम ही हो गया था। उन्होंने मुझे बोला था कि ये जॉब टाइप्स है, आप स्टार्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा जहां पे दिक्कत होगी, बाकी जितना ज्यादा टर्नओवर करोगे आपको इनकम मिलेगी। तो अपना स्टार्टअप तो उसी टाइम हो गया था, बट फिर धीरे 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 मुझे पता चला कि ये लाइफ में जॉब का तो ठीक था क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉब कर रखी थी, तो मुझे ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि जॉब में क्या होता है। तो मैंने जब ये चीज सर्च करने से पहले, मैं जो जॉब करती थी उसमें 3 हजार रुपये मेरी सैलरी थी, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये 3 हजार में क्या होएगा, और आज की डेट में 3 हजार में कुछ भी नहीं होता। और लॉकडाउन था, मैं ऑलरेडी उस जॉब को कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी करना था। तो वो मुझे मिले, मुझे समझाया, लिटरली 2 महीने तक मैंने ऐसे काम करा जस्ट लाइक आई एम डूइंग जॉब। सो ऐसा कुछ सीन रहा। और फिर मैंने, जब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें इस तरीके से बिल्ड करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग लाइक दिस, तो मेरे को तो शॉर्ट लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये बहुत, ये फंसने फंसाने वाला काम। अभी भी बहुत सारे लोग ये सारी चीजें सोचते हैं। बिल्कुल मैं उन लोगों की तरह थी जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है। उसी तरीके से मैं भी थी कि मुझे इंफॉर्मेशन तो थी बट नॉलेज नहीं थी। और उस इंफॉर्मेशन के कारण मैंने अपने लगभग 1 ईयर
रोक दिए थे। अगर मैं उस 1 ईयर को काउंटेबल में लाती तो आज मेरी जिंदगी कहीं और भी होती, और भी ऊंचाई पे होती। खैर कुछ नहीं, कहते हैं कि जो भी आपके साथ होता है अच्छे के लिए होता है, और मैंने उसी चीज को एक्सेप्ट करा, तो ऐसा रहा मेरा लाइफ उस टाइम का। बेसिकली आपने बताया कि आप झारखंड से बिलोंग करते, तो झारखंड में कौन से जगह से आप बिलोंग करते थे, हम जरूर जानना चाहेंगे, और किस चीज की स्टडी कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आपने बताया मेरा नाम राबिया खान है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। झारखंड में एक बहुत अच्छा शहर है, सॉरी छोटा सा माहौल कह लीजिए, एरिया है वासेपुर एरिया। ये बहुत डेंजर एरिया है, राइट? लोग, मैंने आधी से ज्यादा ज्वाइनिंग इसी नाम से उठाई है, राइट? तो मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ और बीकॉम की स्टूडेंट रहा करती थी। अभी जो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, मतलब बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और स्टडी के साथ साथ इस काम को स्टार्ट किया था मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब तो राबिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एज अ यूथ आपके जहन में, आपके दिमाग में ड्रीम्स की परिभाषा क्या होती है? एज अ यूथ आप ड्रीम्स को किस तरीके से डिफाइन करोगे? अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज से जब 2 साल पहले की मैं बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी, तो ड्रीम्स का मेरा मतलब यही था कि हमने वो कुछ ऐसा सोचा, मेरे से ड्रीम भी सोची जाती थी तो 20 से 30 हजार से ज्यादा की नहीं सोची जाती थी। तो वेस्टीज की ये पावर है कि मुझे ये ताकत मिली कि 20 से 30 हजार क्या, 30 लाख की भी ड्रीम सोच सकते हैं। तो उस टाइम पे मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि 30 हजार का लैपटॉप भी हो जाए तो वो एक अलग मजा आ जाएगा लाइफ में, ये सीन था। बट मेरे हिसाब से ड्रीम आज की डेट में लोगों के, बहुत सारे आज के यूथ को कहेंगे कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो वो एक ही चीज कहते हैं, लैपटॉप, कार, अच्छा घर। मैं कहूंगी ये ड्रीम नहीं है, मैं कहूंगी ये सब जरूरतें हैं हर एक इंसान को। आज के यूथ है जो है, ज्यादातर नेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करके खुद को आगे बिल्ड कर रहे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमें ये चीज जरूरत है, ड्रीम नहीं है, राइट? 30 हजार का लैपटॉप अब 60 हजार में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि मैं अभी ज्यादा नहीं, 1 मंथ पहले ले चुकी हूँ, राइट? मैंने भी अपने ये ड्रीम यहाँ से कंप्लीट करे, मुझे ऐसा पहले लगता था, पर मुझे लगने लगा था ये अब जरूरत है। तो ड्रीम का मकसद एक ही है कि लोगों की थिंकिंग जो है ना, वो ड्रीम कम जरूरत ज्यादा है, और वो डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अपने ड्रीम को तो छोड़िए, वो अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से ड्रीम ये है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है, बट उससे एक्स्ट्रा आपको करना है। बहुत कार लेने के लिए मैं ऑल्टो भी ले सकती हूँ, जरूरत है ले सकती हूँ बिल्कुल, लेकिन ये मर्सिडीज लेना ये एक ड्रीम है, BMW लेना ये एक ड्रीम है, ऑडी लेना ये एक ड्रीम है। आपने कि नीड्स तो है ही सबकी चीज, और उसके साथ साथ अगर मिलाओ कुछ और हो तो उसे हम ड्रीम्स कहेंगे। बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। मेरा अगला सवाल आपसे राबिया जी कि जब आपने स्टार्ट किया था, इनिशियली चैलेंजेस क्या आई थी इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में? लिटरली मैं अगर बताऊं तो चैलेंजेस के तो मेरे पास, कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो चैलेंजेस भी मेरे साथ इसी तरीके से आए थे। फर्स्टली चैलेंज ये था कि लॉकडाउन और अपने प्रोस्पेक्ट आएंगे कहाँ से। दूसरा चैलेंज ये था कि घर वालों की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी, है ना, अभी कहते हैं, अभी हम जब भी किसी यूथ से बात करते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और तो वो डायरेक्टली कहते हैं अब्बा नहीं मानेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे भी अब्बा नहीं मान रहे थे, यानी कि मेरे पापा जो हैं वो नहीं मान रहे थे, उनके उनका विश्वास ही नहीं था कि यहाँ से पैसे वैसे भी आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से कहाँ पैसे आते हैं। उन्होंने मेरे से चैलेंज करा था कि तुम्हारे 5 हजार भी आ जाए ना, तो तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसके साथ साथ मेरे पास मोबाइल नहीं थी, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इशूज थी, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे तो इंटरनेट का कनेक्शन कैसे। तो चैलेंजेस को मैंने ओवरकम कर करके तब मुझे लगने लगा कि नहीं, चैलेंजेस तो फुलफिल करने पड़ेंगे, अगर रास्ते सही है तो चैलेंजेस आएंगे, और मेरे साथ भी यही सारी चीजें हुई। मीन्स की बेसिक नेसेसिटीज जो होती वो भी नहीं थी, फिर भी काम किए। तो मैं बिल्कुल ये इसी से रिलेटेड है कि अगर इतनी सारी बेसिक नेसेसिटीज की ना होने के बावजूद आपने काम किया, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा कभी माइंड पे नहीं आया कि नहीं यार छोड़ देते, क्विट कर देते, कोई ऐसा पॉइंट आया था?
कभी ऐसा फील हुआ? बिल्कुल डेफिनेटली हुआ था। और बहुत जोर का, कहते हैं ना, चोट लग जाता है तो बहुत जोर की चोट लगती है तो बहुत बड़ा दर्द होता है उस टाइम। मैं कहती हूँ एक्सीडेंट जब हो जाता है ना तो उससे बड़ा चोट नहीं हो सकता है एक नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल पर्सन के लिए। तो उसी तरीके से मेरे लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक चैलेंजेस आए थे, कई बार आए, एक बार नहीं आए। तो उसमें से मैं आपको एक बताना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे को ना 4 मंथ हो चुके थे, मैंने घर में चैलेंज वगैरह दे रखा था ऑलरेडी शुरुआत में, 3,000 के, 3,500 के मैं ऑलरेडी परचेजिंग कर रही थी कहीं ना कहीं से अरेंज करके। लोगों के होते हैं कि नॉन इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, बट बिजनेस है दैट मींस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। बिजनेस दैट मींस कि पैसे, और जाहिर सी बात है सामान कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं। मैं ये चीज को संभाल संभाल के लेके चल रही थी, बट इसके साथ साथ 4 महीने तक पैसे नहीं आए। घर वालों ने बोला कितना अकाउंट भर गया है, कितने पैसे आ गए हैं, हमारे घर की करोड़पति आ गई है, तालियां बजाओ इनके लिए। तो ये सब बहुत बेकार बेकार सा मोमेंट था, बट मैं कहती हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, और इसी मोमेंट की वजह से शायद आज मैं यहाँ तक हूँ। उन्हीं सब छोटे छोटे चैलेंज, और इन मुझे उस टाइम पे लगते थे बहुत बड़े, लेकिन अब मुझे लगते हैं ये सच में छोटे चैलेंज थे। तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि, एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 34,000 का मेरा पे आउट आया, लिटरली मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि वेस्टी से 34,000 का 5th मंथ के अंदर आ गया था मेरा ये पे आउट। उसके बाद फिर लिटरली मेरा उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। कहते हैं ना जब बहुत अच्छी चीजें मिलती तो इंसान काफी खुश हो जाता है। अब इस खुशी के चक्कर में ना मैंने नेक्स्ट महीने काम ही नहीं करा था, मैं अरे थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था तो मेरी साइड मेंटेन वगैरह सब कुछ ही थी, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट महीने में जो मेरा पे आउट था अप्रोक्सीमेटली 16,000 था, यानी कि ओके 34 से 16,000। अब आप समझ जाओ कि इस मोमेंट पे मेरे साथ क्या ही हुआ होगा। बहुत जोर का धक्का लगा कि लोग आगे जाते मैं पीछे कैसे आ गई। तो इस टाइम पे ऐसा लगा कि ये बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है। उस टाइम लगा नहीं छोड़ो यार कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कुछ कुछ चैलेंजेस आए, मैंने बहुत ओवरकम करा। अब तो बहुत छोटे लगते हैं सारे चैलेंजेस, बट उस टाइम पे ये सब बड़े बड़े। ऐसा फर्स्ट 4-5 मंथ जो था मेरा, ऐसा लग रहा था लिटरली बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, 4 महीने हो गए पैसे नहीं आ रहे, यानी कि ये कंपनी में पैसे वैसे नहीं आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कुछ जरूर आपके साथ अच्छा होता है, तो वो मोमेंट मेरे साथ ऐसा था। पेशेंस रखना जरूरी होती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छा लग रहा है आपकी जर्नी को सुन करके। तो मैं ये सुन जानना चाहूंगा आपसे, हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है कि आप जो ये जर्नी अप एंड डाउन चल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ में, ऐसा क्या माइंडसेट था कि आपने कभी क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया? मैं आपको अगर बताऊं तो 1 ईयर के अंदर मैंने अप्स एंड डाउन डाउन ज्यादा देखा। अप्स भी मैं बाद में देखा मैंने, लेकिन ये जो 4 मंथ का क्राइटेरिया था ना ये मुझे बहुत पिंच करती थी। मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़े से मैं अपने बैकग्राउंड में ले जाती हूँ, मैं अपने घर के बैकग्राउंड में ले जाती हूँ। मेरा जो घर है ना, मतलब पहले था ऐसा, अभी नहीं है। तो ऐसा था कि ये सिचुएशन घर में ऐसे थे कि हमारे नॉर्मली घर सारे बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे इनकम्प्लीट थे। तो उस एरियाज में ना कॉकरोच रैट बहुत ज्यादा थे, तो हमें उस चीज को लेकर के बहुत दिक्कत आती थी। तो मैंने जब काम को स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि मैं जरूर, मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगी ऐसा करके। लेकिन जब वेस्टीज में आई थी तो मैंने यही सोचा था कि कम से कम अपने इनिशियल चैलेंजेस को क्लियर करने। तो मैंने बिल्कुल अपने घर को रेनोवेट करा, तो वो मेरे लिए बहुत माइनर सा बहुत बड़ा पॉइंट था, लेकिन जब मैंने उस चीज को कंप्लीट करा तो मुझे लगा कि ये कितना छोटा सा माइनर सा चीज था और मैं इसको चैलेंज समझ रही थी। तो ये मुझे बहुत हिंट करती थी कि राबिया तुझे ये चीज करना है, राबिया ये तुझे ये चीज करना है, राबिया तुझे ये चीज करना है। और एक चीज बहुत स्पेशली चीज कि अपना काम वाम खत्म करो, तुम्हारी शादी होगी। हर लड़की की ये कहानी होती है, तो मेरे साथ भी ये कहानी थी कि तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी शादी करनी, मतलब मुझे कुछ करना है तो कुछ करके दिखाओ। तो ये मेरे साथ ऐसा चैलेंज था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे घर वाले खुद बोले कि तुम इस पे काम करो, इस बिजनेस में काम करो। तो ये सारे चैलेंजेस मुझे बहुत हिट करते थे, जो कि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि राबे तुझे कुछ करना है। और यही चीज आपको आगे बढ़ाता रहा। बिल्कुल सर।
बहुत खूब बहुत खूब। तो राबिया जी, हम लोग सेशन के एंड में चलते हैं और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन बच रहा है, जैसे कि आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ में डिस्क्राइब किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो इतने अप एंड डाउन आ रहे थे, तो आप सेल्फ को किस तरीके से मोटिवेट करती थी? क्या ऐसा करती थी जिससे आप खुद को मोटिवेट कर पाती थी कि यार अप एंड डाउन आ रहा फिर भी लगे रहना है? मैंने ना मैं आपको एक छोटा सा बैक में ले जाती हूँ। 2018 के टाइम पे मैंने काम को स्टार्ट किया था, लाइक 800 रुपए से। मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, वासेपुर के ही एरिया में, अपने घर के ही पास में एक स्कूल में पढ़ाया करती थी 800 रुपए में। तो कहते हैं ना कि आपकी सैलरी से ज्यादा अगर 100 रुपए भी ज्यादा मिलता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। तो लाइक मेरे लिए भी यही चैलेंज था कि मैं 800 रुपए से 3,000 रुपए गई, 3,000 से 34,000 रुपए गई। तो मुझे जब भी लगता था कि हाँ ये चीज पिंच कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, कभी कभी ऐसा बहुत फील, बहुत बारी होता है, कहते हैं ना जब आप सही रास्ते पे होते हो तभी गिरते हो, जब आप रास्ते पे ही नहीं हो तो गिरोगे क्या। चैलेंजेस तो तभी आएंगे जब आप रास्ते पे चलोगे। तो वही चीज मुझे लगने लगी कि जब मैं वहां से यहाँ आ सकती हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो लिटरली मैं 34,000 से 48,000 तक भी जा सकती हूँ, 48,000 से 48 लाख तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि ये वेस्टीज की पावर है। और मुझे यही चीज पिंच करती रही कि ये राबिया तुझे आगे बढ़ना है। कभी कभी मतलब चैलेंजेस तो बहुत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ लिटरली चैलेंजेस मेरे साथ बहुत आते थे, क्योंकि मैंने चीजों को ऑनलाइन स्टार्ट किया था। और मैं आपको बताऊं ऑनलाइन स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है। जब किसी को फोन लगाओ कि मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, तो लड़कों का एक अलग ही रुख निकल के आता था कि तुम लड़की हो, काम कर क्यों कर रही हो, बात करो बात करो, ये एज काम करने की थोड़ी है। तो ये सारे चैलेंजेस आने के बावजूद एक ही चीज का मोटिवेशन था कि कुछ अलग करना है। नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लड़कियों की तरह बड़े होकर के शादी करके घर बसा लेना है, फिर वहां पे ये नहीं सुनना है कि तुम पराए घर से आई हो, और यहाँ से ये नहीं सुनना तुम्हें पराए घर जाना है, तो अपना तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये पॉइंट मुझे अपने लाइफ में लाने थे, जो मुझे, ये मेरा विजन था और विजन है कि अपने नाम को इस तरीके से बनाना है कि हर लड़की आज की डेट में ये बोले कि अगर राबिया जी सोच तक सकती है ना, तो मैं क्यों नहीं। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने कहा। हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक सेशन में ये क्वेश्चन रहता है कि जब ये सिचुएशन आते हैं लाइफ में, अप एंड डाउन आते हैं, तो ऐसा क्या आप करते हो, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कौन सी बुक्स पढ़ते हो, या क्या करते हो जो आपको मोटिवेट कर देता है, रीमोटिवेट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है काम को करने के लिए फिर से? ये पता है, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करी है कि अप्स एंड डाउन्स जो है ना, वो ये लाइफ का पार्ट है। वो होएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा अपनी धड़कन भी चल रही है या नहीं चल रही है। तो ऐसे टाइम पे मैं ज्यादातर यही बोलती हूँ कि राबिया क्यों नहीं, तुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, खुद से सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने अपने 24 घंटे के टाइम पे रात का एक ऐसा टाइम मैं निकालती हूँ जिस टाइम मैं खुद से बातें कर सकूँ, और लिटरली मैं खुद से सवाल करती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे अंदर ये सवाल आ रहे हैं। मतलब मैं खुद से राबिया राबिया से बात कर रही है, राबिया राबिया से बात करके ये पूछ रही है कि तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। वो तुम ही लड़की हो जिसने 3,000 से 34,000 के पे आउट पे आई, तुम वही लड़की हो जो 300 रुपए से 8 पे आई, तो फिर ये क्यों नहीं। तो ये सेल्फ टॉक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन, मेल फीमेल, डजेंट मैटर, आप खुद से जब तक बातें नहीं करोगे आप खुद को आगे कभी नहीं ले जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं हमेशा एक चीज याद रखती हूँ, लाइक मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मैं क्या करती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। लाइक ऊपर वाले से भी बातचीत करनी बहुत जरूरी होती है, और मैंने मैंने अपने लाइफ में देखा है मेरी ऊपर वाले से बहुत अच्छे से बनती है, तो मतलब मेरी उनकी सेल्फ टॉक बहुत अच्छे से होती है, ऐसा है वो चीज। दूसरी चीज, मैं और जब जब तक अपने टीम में कुछ लोगों से बात नहीं कर लेती हूँ रात के टाइम पे, तब तक मैं सोती नहीं हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने पानी में, हम कितना बात कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं। लिटरली मैं अगर आपको बताऊं वेस्टीज में अभी तक मैं 4 से 5 घंटा, मुश्किल से मुझे लगता है 4 घंटा ही मैं काम करती हूँ, और 4 घंटे की जर्नी लगभग 2 साल की हो चुकी है।
मैं यहाँ से 6 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली जनरेट कर रखा है। तो अगर वाह 4 घंटे में ये लड़की कर सकती है, तो सर आप ये सोचो, और हमारे व्यूवर्स भी आपसे भी यही चीज है कि आप भी ये सोचिए कि अगर मैं 4 घंटे में ये चीज कर रही हूँ, तो आप सोचो अगर मैं मैंने 12 घंटे देने स्टार्ट कर दिया अपने जॉब की तरह, तो फिर तो लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें मुझे पिंच करके आगे ले जाती है, ये सारी चीजें मुझे थिंकिंग आती है। मैं ज्यादातर बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, मैं हमेशा नई नई बुक्स पढ़ती रहती हूँ, हमेशा नई नई बुक्स पढ़ती रहती हूँ। बुक्स पढ़ने पर मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नए नॉलेज मिलेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुलते ही खुलते हैं। बिल्कुल राबिया जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि क्या 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 चीज ऐसा आप करते हो जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो। अपार्ट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक जो ड्रीम्स होते हैं, गाड़ी हो गया, पैसे हो गए, बंगले हो गए, फॉरेन ट्रिप्स हो गया, हम जानना चाहेंगे कि इन सब के अलावा आपको खुद पे ऐसा कौन सी सबसे बड़ी अचीवमेंट फील होती है कि ये सारी चीज तो मटेरियलिस्टिक है, जो गाड़ी हो गए, पैसे हो गए, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी अचीवमेंट जो आप शेयर करना चाहो कि ये चीज जो मैंने हासिल की है ये मेरे लाइफ चेंजिंग था। बिल्कुल, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊंगी, टाइम फ्रीडम। मैं जॉब पे थी तो मेरे से सवाल किया जाता था कि तुम इतना लेट क्यों आ रही हो, 5 बजे, मतलब शर्त ऐसी रखी जाती थी कि 5 बजे के बाद से आओगी तो कल से जॉब पे नहीं जाओगी। बट आज की डेट में मैं अगर अपने टीममेट्स के साथ रात के 10 बजे तक भी रहती हूँ ना, तो माई फादर दैट से कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम पे आ जाना, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर वहां पे मैं 4:30 5 में भी आ रही हूँ तो क्यों लेट हुआ, कहाँ रुक गई थी, कुछ हुआ तो नहीं था। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, चिंता होती है मैं समझती हूँ, बट यहाँ पे एक ट्रस्ट है कि नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रस्ट ये है कि वेस्टीज में हमारी जो मेरी खुद की फैमिली जो अलग से मैंने बनाई है, ये फैमिली के ऊपर उनको भरोसा है, उनकी वजह से, मेरी वजह से उनके ऊपर भरोसा है कि हाँ राबिया गलत लोगों के साथ नहीं है, सही लोगों के साथ है। तो ये मैंने उनके ना ट्रस्ट को जीता है। आज की डेट में मैं ज्यादातर आउट ऑफ स्टेशन रहती हूँ, दिल्ली, कोलकाता, रांची, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पूछती हूँ पापा जाना है, ओके कब जाना है, कब की टिकट है, क्या है, दैट्स इट। कॉल करके वो बस एक ही चीज पूछते, सब खाना खा लिया, ये नहीं पूछते कब आना है क्या, तो उनको पता है कब आना है। तो ये ट्रस्ट मैंने यहाँ से जीता है, और ये जीतना मुझे लगता है कि अलग जगह से मैं नहीं जीत पाती हूँ। ये वेस्टीज की पावर है जो मैं जीत पाई। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही बड़ा बर्डन रहता है कि कभी भी अगर एक फीमेल घर से बाहर निकलती है तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रहता है, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, सब चीज बताना पड़ता है। पर ये बिल्कुल अगर अचीवमेंट लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा आखिरी सवाल ये आपसे है कि अब तक की आप अपनी लाइफ की इस प्लेटफॉर्म की जर्नी को अगर कुछ सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो किस तरीके से करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि आप अगर कोई फीमेल मेरी इस वीडियो को अगर देख रही हैं, तो मैं उनको कहूंगी कि आप लकी हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत अनलकी थी कि मैं इस जर्नी में आने के बाद ऐसे वीडियोस देखती थी, तो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगी, एक फीमेल अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करती है और इस जर्नी को स्टार्ट करती है, तो उनके लाइफ में इससे अच्छा मोमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं जिस तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले थी, अगर वो राबिया आगे 2023 में आती, तो वो इस तरह नहीं दिख भी नहीं रही होती या कॉन्फिडेंट भी नहीं होती। यहां से मुझे कॉन्फिडेंट मिला, एक नया अलग सा अंदाज मिला कैसे जीना है, चीजों को समझने का तरीका, हर एक चीज मुझे यहाँ से मिली। एक लाइफ की जर्नी में जो चीज कहीं ना कहीं टर्न लेनी पड़ती है ना, तो मेरे लाइफ में ये चीज बहुत जल्दी आ चुकी थी। और इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है ना, सबसे खास बात, डजंट मैटर आपकी एज क्या है, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जिनको मैं यही कहना चाहूंगी कि डजंट मैटर आपकी एज 30 है, 30+ है, 40 है, आप यहाँ पे आके ईमानदारी से, ज्यादा नहीं, 1 साल ढंग से काम कर लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। और जहां तक पैसों की बात है, वो तो बाई प्रोडक्ट आता है, आपने जब यहाँ अपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ना, तो वो अलग सी है। तो मैंने यहाँ पे खुद को 99% 30-60 डिग्री चेंज करा है। सो वाह मेरे भाई, लाइफ का ये सबसे बेस्ट मोमेंट है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा। बहुत खूब। तो अब हम लोग सेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, लेकिन एक लास्ट
क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राबिया अपनी पर्सनैलिटी को अगर एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहे तो वो वर्ड क्या होगा? ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल सिर्फ इसलिए नहीं कि चेहरे की सुंदरता हो, लाइफ चेंजिंग थी। और मेरा एक बहुत अच्छा नाम है, और जैसा कि वन वर्ड में आपने बोला, आयरन गर्ल। माई नेम इज वाह, आयरन दैट्स गर्ल। ये मुझे नेम मेरे बिल्कुल टीम वालों ने दिया है कि आप एक आयरन गर्ल हो, कुछ भी कर सकते हो। तो राबिया एक वर्ड में सिर्फ एक ही चीज कह सकती है, आयरन गर्ल। बहुत खूब। तो दोस्तों, हजारों लोग इस सिस्टम में आते हैं, लेकिन जिनके अंदर अपनी सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपने सपनों को हासिल करने का जुनून और जज्बा रहता है, वही इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। सो आज आपने हमारे लीडिंग लेडी, मैं तो कहूंगा साथ ही साथ आयरन गर्ल, राबिया खान से आपने मुलाकात की। कैसा लगा आपको सेशन, जरूर बताएं, और इसी तरीके से अगले सेशंस का भी इंतजार करते रहे। थैंक यू, विश यू वेल।